नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के न्यू ओपीडी में शनिवार को प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए के सिंह के नेतृत्व में अस्पताल में तैनात डॉक्टर, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने खुद के बचाव और अस्पताल में मरीजों की देखभाल के साथ साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित किया गया। इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए के सिंह ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों को प्रतिदिन प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके ये कंफर्म किया जाता है कि किसी में कोई कमी नहीं है, जिससे हमारे स्टाफ के अंदर जो डर है वो समाप्त हो जाए और ये आने वाले समय के लिए बिल्कुल तैयार रहें। इस दौरान डॉक्टर एस के श्रीवास्तव, डॉक्टर अरविंद सिंह सहित अन्य स्टाफ, नर्स और अस्पताल के कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए के सिंह ने कहा, हमारा खाली वही कह रहा है कि आप जाएंगे बीपी के पाल के ही जाएंगे, ठीक है ना। बाकी सफाई का सारा नियम पहले ही जैसा है, उसमें कोई फर्क लगेगा और फिर बहुत पसंद आते हैं सब। ये तो पुराना नियम है, इसको नया नहीं है। नियम नया यही है कि आप ऐसे नहीं जाएंगे। और आपको मापिंग से अच्छा जो घोलने वाली मशीन है तो वो तो आई नहीं है ना। छिड़काव नीचे से घोल बनाए हुए हैं, कर्मचारियों का डेली एक प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, कोई अलग से कार्यक्रम नहीं है, जिसमें सारे के सारे जो कर्मचारी हमारे वार्ड बॉय हैं, सफाई कर्मचारी हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको डेली प्रशिक्षित किया जाता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके हम लोग पूछते हैं कि किसी को कोई कमी नहीं हो या नॉलेज में किसी को समझ में ना आ रहा हो, कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी जाती हैं। ये डेली का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, करीब 1:45 से 2:15 बजे तक डेली आयोजित किया जाता है, जिससे कि हमारे स्टाफ के अंदर का जो डर है, भय है, वो ख़त्म हो जाए और ये आने वाले समय के लिए बिल्कुल तैयार है।